Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I am going to review a makeup product. So basically, एक makeup product का review करूँगी. That is a contour palette that is by Wet n Wild. So this is their Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. So ये कोई नया product नहीं है. But I thought I'll just review it for you guys. And this is in the shade 01 Dolce & Leche, whatever the Dolce & Leche. ये इतना difficult नाम रखा है, international नाम. So this is in the shade 01, जो इनका lighter variant है. इसमें एक और shade आता है 02, जो थोड़ा darker है. So आप देख सकते हो मैंने इसे कितना ज़्यादा use कर रखा है. इसको मैं नाम बोल के देखती हूँ. Dolce & Leche. Yeah, I believe I'm pronouncing it right or wrong, whatever. So, जो भी आपको समझ आ रही है मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस फॉर 499, बट आप अगर HOKmakeup.com वगैरह से खरीदोगे तो अक्सर ये 30-40% ऑफ पे रहता है. सो यू कैन ईजिली गेट इट फॉर लाइक 250 और 300 और 350 रुपीज. एंड फ्रॉम एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज फॉर 3 years, विच इज़ लाइक ग्रेट. एंड बट लेकिन ये पाउडर प्रोडक्ट है सो आप इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज द कॉन्ट्रोल पार्ट एंड दिस इज दी बनाना पाउडर. सो आप देख सकते हो कॉन्ट्रोल पार्ट को, तो मैंने इस पाउडर को कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है. आपने मेरे मेकअप लुक्स में भी देखा होगा, मैं इसे बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ. सो बेसिकली कॉन्ट्रोल पैलेट क्या होता है, कॉन्ट्रोलिंग क्यों की जाती है, जस्ट टू गिव शेप टू योर फेस. तो जैसे हम फाउंडेशन लगा लेते हैं अपने फेस पे, या कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी लगा लेते हैं अपने फेस पे, सो हमारा फेस जो है एकदम वाइट हो जाता है. सो बेसिकली वो जो नेचुरल शेडोज होती है ना, हम राइट या लेफ्ट देखते हैं, या हमारे फेस पे जब लाइट पड़ती है तो नेचुरल शेडोज नहीं पड़ती हैं. और अगर एक ही कलर का फेस होगा सो उससे क्या होगा, हमारे फेस काफ़ी ब्लैंक लगने लगता है. तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या इसने फेस पे लगाया हुआ है. तो सो टू गेट दोज नेचुरल शेडोज ऑन योर फेस, हम अपने फेस की कॉन्टोरिंग करते हैं. सो बेसिकली अगर इसे टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए सो दैट इज़ कॉल्ड कटिंग. सो अगर हम टेलीविजन वगैरह पे देखते हैं तो वो नॉर्मली पाउडर कॉन्टोर से ज़्यादा क्रीम कॉन्टोर्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनको तो स्ट्रॉन्ग कटिंग देनी होती है, एंड टीवी पे या कैमरा पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कटिंग उनको देनी होती है. बट हम लोग डेली बेसिस पे नॉर्मल कॉन्टोर कर सकते हैं. बट व्हाट आई लाइक टू प्रेफर, व्हाट आई प्रेफर ऑन अ डेली बेसिस, आई डोंट लाइक टू कॉन्टोर, आई लाइक टू ब्रॉन्ज माई फेस. सो बेसिकली दिस इज अ कॉन्टोर पैलेट एंड दिस इज अ मैट पाउडर. सो मैं आपको एक बार इसका स्वॉच दिखा देती हूँ. सो दिस इज द स्वॉच ऑफ दिस, एंड इसका बनाना पाउडर का भी मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ. सो दिस इज द स्वॉच ऑफ बनाना पाउडर. सो कॉन्टोर जब हम करते हैं सो हम चीक बोन्स पे करते हैं, फोरहेड पे करते हैं, राइट. सो नोज की कॉन्टोरिंग काफ़ी लोग करते हैं, आई डोंट. एंड ये बनाना पाउडर किस लिए होता है, टू हाईलाइट योर अंडर आइज, टू यू नो कट द कॉन्टोर. सो ये इसके लिए होता है. अगर आपको देखना भी हो ना तो इसके पीछे क्लियरली उन्होंने दिया भी हुआ है हाउ टू हाईलाइट इट एंड हाउ टू इल्यूमिनेट इट. सो बेसिकली कॉन्टोर कहाँ कहाँ करना है और हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ करनी है ये आप देख सकते हो. बट दिस बनाना पाउडर इज अ लिटिल बिट टू येलो फॉर मी, क्योंकि मेरी जो स्किन की अंडरटोन है दैट इज एक्चुअली पिंक अंडरटोन. सो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा येलो रहता है ये पाउडर. बट टू ब्राइटन माई अंडर आइज आई डेफिनेटली यूज इट, या फिर अगर मुझे कॉन्टोर कट करना होता है तो मैं इसे डेफिनेटली यूज़ करती हूँ, एंड बहुत ही अच्छे से काम करता है. मैंने काफ़ी मेकअप वीडियोज में भी इसको दिखाया है हाउ टू कट द कॉन्टोर यूजिंग दिस. बट अगर आप कहोगे तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी कि बनाना पाउडर से कैसे कॉन्टोर कट होता है. एनी वेज मैं डेली बेसिस पे ब्रॉन्जिंग को प्रेफर करती हूँ. बट ब्रॉन्जिंग का जो पाउडर होता है ना दैट इज बेसिकली इट हैज लिटिल शिमर इन इट, बट मैं इसी के साथ मैनेज कर लेती हूँ. एंड हाउ आई मैनेज इट, अगर मुझे कभी कॉन्टोर करना होता है देन आई लाइक टू यूज दिस काइंड ऑफ अ ब्रश. इससे कॉन्टोर एकदम सही जगह प्लेस होता है एंड यू कैन जस्ट यू नो प्लेस द कॉन्टोर ऑन द राइट पार्ट, और काफ़ी अच्छे से हॉलोज और ये सब क्रिएट होता है. दिस बाय फेसेस कैनेडा, ये इस तरह का कॉन्टोर ब्रश है. आप किसी भी ब्रश से कर सकते हो ऑब्वियसली, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो. और अगर मुझे ब्रॉन्जिंग करनी है देन आई लाइक टू यूज दिस काइंड ऑफ अ फ्लफी ब्रश. दिस इज अ पाउडर ब्रश बाय रियल टेक्निक्स. तो बेसिकली ये डिफरेंस है अब मेरे ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग करने में.
ब्रॉन्जिंग से क्या होता है, एक नेचुरल सा लुक आता है और आपको ब्लश वगैरह अगर नहीं भी यूज़ करना देन यू कैन मैनेज विदाउट अ ब्लश ऑल्सो। सो मैं इससे ब्रॉन्जिंग भी कर लेती हूँ, इससे कॉन्टोरिंग भी कर लेती हूँ। सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको क्या, आपकी क्या प्रेफरेंस है। सो अगर मैं इस पाउडर की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो दिस इज लाइक वेरी वेरी फाइनली मेल्ट, दिस इज रियली ग्रेट फॉर लाइट स्किन पीपल। अगर आप थोड़े से भी डीपर हो मेरे से, सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो इसका 0-1 शेड आता है, आपको वो ट्राई करना चाहिए। दिस इज एक्चुअली फॉर लाइट स्किन पीपल, थोड़े से मीडियम हो इट मे वर्क फॉर यू, बट इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टोअर नहीं आएगा। इट मे वर्क एज अ ब्रॉन्जर फॉर यू, अगर आपको मैट ब्रॉन्जर पसंद है तो। बट दिस बनाना पाउडर इज गोइंग टू वर्क फॉर एवरी वन, बट फ्रॉम लाइट टू मीडियम स्किन। बट अगर मीडियम से डीप या टैन स्किन के हो देन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप इसका डिफरेंट शेड ट्राई करना। थोड़ा सा इसका किकबैक है, सो अगर आप इसका प्रोडक्ट अगर लेते हो इस तरह से, देखो कितना ज़्यादा किकबैक, कितना ज़्यादा फॉल आउट है। एंड दिस इज सेम गोज विद दिस ब्रॉन्जर एज वेल, सो एज इन द कॉन्टोर पाउडर। सो आप पैन पर भी देख सकते हो काफ़ी किकबैक है इसका। सो बट फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, सेल पे अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, काफ़ी बड़ा पैन है एंड काफ़ी अच्छे से काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलेगा। कम से कम मैं इसे 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड नाउ आई हैव फिट पैन ऑन इट। और क्योंकि मैं अब इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ सो दैट मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकूँ। सो थोड़ा सा फॉल आउट है, थोड़ा सा किकबैक है, बट बहुत ही सॉफ्ट पाउडर्स हैं, बहुत ही फाइनली मिल्ड है। एंड वेट एंड वाइल्ड एज अ ब्रांड बहुत ही अच्छा ड्रग स्टोर ब्रांड है, सो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी हद तक मुझे सूट भी करते हैं एंड दे वर्क फॉर मी। सो इन द फाउंडेशन एंड ऑल भी काफ़ी अच्छा है, इन द कंसीलर तो मेरा फेवरेट है। सो दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर मी एंड आई रियली लाइक इट। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये जो इन्होंने पीछे आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है ना, हाउ टू कॉन्टोर एंड हाउ टू यू नो यूज़ दिस हाईलाइटिंग पाउडर, दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड। सो आप देख सकते हो इसको, और ये किसी भी साइट पर जिससे भी आप खरीदते हो ना, उसके ऊपर भी आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट के नीचे। सो फ्रॉम माय एंड आई वुड हाईली 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 रेकमेंड दिस कॉन्टोरिंग पैलेट फॉर बिगनर्स। सो इन केस यू आर अ बिगनर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कॉन्टोरिंग पैलेट एंड यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज कि मैं कौन सा लूँ, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। इन केस यू आर ऑफ अ लाइट टू मीडियम स्किन टोन, मीडियम तो आई वुडंट से, इफ यू आर ऑफ अ लाइट स्किन टोन तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मीडियम टू डीपर आप 0-2 वाला शेड लेना एंड उससे डीपर अगर कोई शेड है तो आई एम नॉट रियली श्योर, सो आप उसको ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी गुड फॉर बिगनर्स, वेरी अफोर्डेबल, काफ़ी बड़ा पैन है एंड आपको बस थोड़ा सा किकबैक है, आपको उसका ध्यान रखना है। और ये जो अंडर आइज का ब्राइटनिंग वाला पाउडर है, इवन दैट इज वेरी वेरी गुड इन केस यू नीड समथिंग टू ब्राइटन योर अंडर आइज। अगर आप लूज पाउडर से करते हो ब्राइटन या जैसे कंसीलर से करते हो, इवन दैट इज फाइन। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा यूज नहीं किया, बट आई लव द कॉन्टोअर और स्लैश ब्रॉन्जर। आई ब्रॉन्ज विद अ मैट पाउडर, आई हैव नो इशू। थोड़ा सा ऊपर हाईलाइटर लगा लो यार, काम चल जाता है। आपको बस मेकअप में ना कोई रूल्स नहीं होते, इट्स जस्ट दैट आपको फिगर आउट करना है कि आपको मेकअप को कैसे यूज़ करना है। आप इसको एज एन आई शैडो यूज़ कर सकते हो, आप इस वाले को एज अ कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो टू जस्ट सेट डाउन योर मेकअप। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको आपके आपके पास जो स्टफ है ना, आपको उसे कैसे यूज़ करना है। सो दिस लाइक अ ग्रेट प्रोडक्ट, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और ट्रैवल फ्रेंडली। इफ यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन एंड यू जस्ट वॉन्ट दैट ब्रॉन्ज्ड ग्लो and you are not planning to carry a lot of product and you are not a very eye makeup वाला person, you can use this as an eye shadow, अच्छा सा eye contour कर सकते हो, face को चितल आउट कर सकते हो या bronze कर सकते हो, anything you can do। आपको बस थोड़ा सा experiment करना आना चाहिए makeup से, थोड़ा सा play करना आना चाहिए and you can do it। So from my end this product is like 9/10, एक mark मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इससे भी better थोड़े बहुत तो available है। बट इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको यूज़ करना है, नहीं तो आपके फेस पे मतलब मडी हो सकता है, बिकॉज इसका काफ़ी किकबैक है। सो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से और हल्के हाथों से आपको यूज़ करना है। ऑलवेज बिल्ड इट अप, ऑल्दो इट्स पिगमेंटेड बट इट्स लाइक राइटली पिगमेंटेड, मैं ये बोलूँगी हाईली पिगमेंटेड बट राइटली पिगमेंटेड, सो यू कैन एक्चुअली बिल्ड इट अप। सो अगर आप फ्लफी ब्रश से ब्रॉन्जिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा हल्के हाथों से लेना, अदरवाइज ये थोड़ा मडी दिखेगा आपकी स्किन पे। और अगर आपको कॉन्टोअर इससे क्लीन करना नहीं आएगा बनाना पाउडर से, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
बट मैं सोच रही थोड़ी सी आगे में एक आध कोई वीडियो करूंगी हाउ टू क्लीन द कॉन्टोर, बट अभी लेट्स सी आई हैव डिफरेंट वीडियोस इन माइंड, सो लेट्स सी मैं कब करूंगी कब नहीं करूंगी, बट एज ऑफ नाउ मुझे इसका रिव्यू करना था. सो दिस लाइक 9/10 फ्रॉम माय एंड. फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू लाइक 499 का है, 500 रुपीस का है, सेल में आपको मिल जाएगा 300 से 350 तक. तो डेफिनेटली इसे परचेज करना, बिगिनर फ्रेंडली है एंड दिस इज ग्रेट. एंड सबसे अच्छी चीज समझा रखा है कैसे यूज करना है हर चीज. So that's all for the video today. I hope आपको video पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है definitely like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.